हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एक इलेक्ट्रिक गीज़र को गैस गीज़र से, और ये जो हम कंपैरिजन करेंगे ये प्रैक्टिकल टेस्टिंग के बाद करेंगे कि कौन सा गीज़र ज़्यादा पैसे खाता है। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं इस वीडियो में कि कौन सा गीज़र महंगा पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गैस गीज़र सस्ता पड़ता है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गीज़र सस्ता पड़ता है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं ये जानने की कि कौन सा गीज़र एक्चुअली सस्ता पड़ता है। तो ये है एओ स्मिथ का 25 लीटर स्टोरेज टाइप गीज़र, जो कि बिजली पर चलता है, और एक तरफ है ये गैस गीज़र 6 लीटर कैपेसिटी में आने वाला, जो कि एलपीजी गैस पर हम चलाएंगे। एलपीजी गैस हमारे पास सिलेंडर में अवेलेबल है, और ये जो सिलेंडर है ये आप देख सकते हैं 16 kg इसका अपना वजन है, बाकी इसके अंदर जो गैस होगी ये मैं आपको इसका वजन करके बताऊंगा कि इसमें कितनी गैस है, और उसके बाद जब हम टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर से वजन करेंगे, क्योंकि एलपीजी का जो कैलकुलेशन है वो वजन से ही हो सकता है, तो इसको बाद में हम टेस्ट करेंगे। फिलहाल हम इसकी टेस्टिंग पहले करेंगे और इसको ऑन करेंगे। इसमें जो पानी गर्म होगा उसको हम इस बकेट में निकालेंगे और पूरा भरेंगे इसको, और उसके बाद देखेंगे कि पानी का टेम्परेचर क्या है, और सेम इसको भी चलाकर हम इस बकेट को भरेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी गैस कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हैं इलेक्ट्रिक गीज़र के लिए, स्टॉपवॉच भी रेडी है। वैसे तो इस गीज़र की सारी टेस्टिंग वगैरह आपने चैनल पर वीडियो देखी हुई है, उसमें सब कुछ मैंने बताया कितना टाइम लेता है, बट फिर भी कुछ लोग नए होते हैं उनके रेफरेंस के लिए मैंने स्टॉपवॉच यहाँ पे लगा दी है, और इसको मैं हाई पे ही चलाऊंगा। आप देख सकते हैं हाई पे ही मैंने सेट किया हुआ है इसको, तो हाई पे ही मैं इसको चलाऊंगा, और ये जो मीटर है ये हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह सब कुछ बता देगा। अभी फ़िलहाल ऑफ है, और ये है बकेट जिसको हम फिल करेंगे इसमें जो पानी गर्म होगा उससे, और ये जो बकेट है ये लगभग 20-22 लीटर का इसमें कैपेसिटी है। तो पहले सबसे हम ठंडे पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई ऑन की है, तो आप देख सकते हैं, तो अभी जो इस गीज़र में, ये आउट में ही लगा रखा है मैंने पाइप, आप देख सकते हो, तो इस गीज़र में कितना ठंडा पानी है ये हमें यहाँ पर अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले पर हमें रीडिंग्स मिल रही हैं वो 17.8 के आसपास हैं। जो सेंसर है वो पाइप के अंदर ही मैंने लगा दिया था, ताकि पानी जो है उसके अंदर से ही आएगा तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगी। तो 17.8 के आसपास पानी, 17.7, तो आप इसको मान लो कि 17.5 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी है, या 18 पे मान लो चलो। और एक बात और मैं बता दूं कि ये इसका इनलेट पॉइंट है, यहाँ से मैं सप्लाई दे रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक गीज़र में, और यहीं से ही सप्लाई मैं इस गैस गीज़र में दे दूंगा। तो आप ये बात समझ के चलिए कि जो टेम्परेचर है पानी का वो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रिक गीज़र में भी और गैस गीज़र में भी। ऑन करने के लिए हमें ये बटन दबाना है, और साथ में ही मैं स्टॉप वॉच का बटन भी प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टॉप वॉच भी शुरू हो गई है, और ये देखिए आप, रीडिंग्स भी आ गई हैं। जो सप्लाई इनपुट है वो 243 के आसपास है, और जो ये गीज़र एम्पेयर ले रहा है वो 8.5 ले रहा है, और 2070 के आसपास ये वॉटेज कंज्यूम कर रहा है। और जो ये KWH आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें इसके यूनिट कंजम्पशन पता लग जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो कि हम सब देखते हैं और भी वीडियोज़ में। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको, अभी देखिए आप, ये वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, और ग्रीन और रेड दोनों चल रही हैं। हाई पे मैंने इसको चलाया है, और जब ये कटआउट करेगा तो ये रेड वाला जो इंडिकेटर है ये बंद हो जाता है, ग्रीन वाला जलता रहता है। इट मीन्स कि जो पानी है, हॉट वाटर रेडी हो गया है। तो जब तक अब ये कट नहीं करता तब तक हम इसको चलाएंगे, और उसके बाद फिर हम इस बकेट को हॉट वाटर से फिल करेंगे, एंड देन उसका टेम्परेचर भी देखेंगे कि कितने टेम्परेचर से पानी ये देता है। तो फिलहाल इसको चलने देते हैं, क्योंकि इसमें लगभग आधे घंटे से ऊपर का टाइम लगेगा, क्योंकि 18 डिग्री पर पानी है। तो हम वीडियो को यहाँ पर कट करके दोबारा से रिज्यूम कर लेंगे जब ये कट मार जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे वीडियो पसंद करते हैं, तो चलिए आज छोटा ही वीडियो बना लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कट कर रहा हूँ। तो बहरहाल 48 मिनट्स का टाइम यहाँ पर हो चुका है, और यूनिट कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो 1.67 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं अब तक, यानी कि 1.5 यूनिट से ज़्यादा बिजली खा चुका है ये गीज़र। और अब देखते हैं और कितना टाइम ये लेता है कट ऑफ होने में, क्योंकि जो पानी इसके अंदर हमने यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, उसको गर्म करने में टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं और थोड़े से मिनट कि कितना टाइम ये लेगा, देन फिर हम वीडियो को रिज्यूम कर लेंगे। और वीडियो को रोकने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि अभी ये कट ऑफ हो गया। आप देख सकते हैं रीडिंग्स जो हैं वो रुक गई, और इसने एक बार के ऑपरेशन में 48 मिनट्स 42 सेकंड्स का टाइम लिया, और जो बिजली है वो इसने कंज्यूम करी 1.68 यूनिट्स।
तो यहाँ पर ये जो रीडिंग्स हैं ये मैं फ़िलहाल नोट कर रहा हूँ, और फिर हम बकेट में इसका पानी लेकर के टेम्परेचर चेक करेंगे। पानी जो गर्म हुआ है वो लेना शुरू करते हैं। तो सेंसर जो है वो पाइप के अंदर मैंने एज इट इज़ लगाया हुआ है ताकि हमें पानी का जो टेम्परेचर है वो पता लगता रहे। तो अभी देखते हैं कितने डिग्री पर ये पानी दे रहा है इनिशियल स्टेज में। तो फिलहाल जो रीडिंग है यहाँ पर 47.3 आ रही है, बट इससे तो काफ़ी ऊपर जाएगा क्योंकि पानी काफ़ी गर्म हुआ होगा इसके अंदर। तो ये रहा 73.9 का मतलब ये है कि 75 डिग्री पर इसने कटआउट मारा होगा, और जो पानी हमें मिल रहा है वो इस हिसाब से मिल रहा है। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी गर्म है, भाप उठ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म ये पानी है। तो फिर टेम्परेचर जो है वो 75.3 के आसपास ये बता रहा है फ़िलहाल। तो ये मान के चलते हैं कि इसमें जो अभी कटआउट लगा है वो 75 के ऊपर लगा है। और मैं बेसिकली ये नहीं दिखाना चाहता आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब ये बकेट भर जाएगी, मैंने इस बकेट के ऊपर यहाँ पर एक मार्किंग कर दी है, मैं इसको बकेट को यहाँ तक भरूंगा और उसके बाद मैं चेक करूँगा कि इस बकेट में जो पानी भर चुका है पूरी ये बकेट जब भरेगी तब उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको भरने देते हैं। तो जो मार्किंग हमने की थी वहाँ तक बकेट भर चुकी है, तो अब वाटर का जो सप्लाई है मैं रोक रहा हूँ क्योंकि इतनी ही पानी की बाल्टी मैंने भरनी है गैस गीजर से भी। तो अब देखते हैं इस पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर है, अब मैंने आउटलेट पाइप में से इसको निकाल लिया है, अब मैं वैसे इसको बकेट में डिप करके फिर टेम्परेचर लूँगा। तो सबसे पहले इसको पूरा नीचे ही डालते हैं सेंसर को। तो बाल्टी के नीचे जो टेम्परेचर है पानी का वो है 60.1, इसको 60 डिग्री कह लीजिए आप। और थोड़ा सा अब इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि गर्म पानी हमेशा ऊपर फ्लोट करता है। बाल्टी के ऊपर की तरफ जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो है 65-67 इस तरह से है, यानी कि 4-5 डिग्री का फ़र्क है क्योंकि हमेशा ठंडा पानी जो नीचे बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि ए ओ स्मिथ का जो ये गीज़र है इसने किस तरह से परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कि आपको एक पूरी बाल्टी 20x22 लीटर की 60-65 डिग्री के पानी के साथ मिल जाए। तो चलिए अब इसकी जो सारी रीडिंग्स हैं वो मैंने नोट कर ली हैं, अब बारी है इस गीज़र को चलाने की, और फिर हम देखेंगे दोनों में कंपैरिजन करके कि कौन सा गीज़र हमें महंगा पड़ता है। तो चलिए मैं इसके कनेक्शंस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इस LPG सिलेंडर का वेट करेंगे हम एंड देन इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ए ओ स्मिथ के गीज़र से कनेक्शन निकाल कर मैंने कर लिए हैं इस गैस गीज़र में। इनलेट पाइप वही यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पर, और आउटलेट पाइप भी उस गीज़र का उतार के इसमें लगा दिया। और ये जो तीसरा पाइप आपको दिख रहा है पतले वाला, ये बेसिकली गैस की सप्लाई के लिए है। तो ये रही बकेट, मैंने खाली कर ली है, इसमें भी हम उतना ही पानी भरेंगे। तो इसमें जो ठंडा पानी है वो भी उसी टेम्परेचर से आ रहा होगा, बट स्टिल चलो एक बार उसका भी जो टेम्परेचर है वो ले लेते हैं। तो मैं सप्लाई ऑन करता हूँ और उसके बाद फिर जो टेम्परेचर है पानी का वो हम देख लेते हैं कि कितने टेम्परेचर से इस गैस गीज़र में से पानी आ रहा है। हालांकि गैस का अभी कनेक्शन ही नहीं करा है, और जब तक कनेक्शन नहीं करेंगे तब तक वो ऑन होगा ही नहीं। तो ये डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, ये पानी इसमें आ रहा है, होप सो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमें ठंडे पानी का टेम्परेचर जो है वो पता लग जाएगा। उसमें मेरे ख्याल 17.7 या 17.8 आ रहा था कुछ, तो इसमें भी देखो उतना ही आ रहा है, 17.9। तो चलिए सबसे पहले इस सिलेंडर का वज़न करते हैं। तो मेरे पास है डिजिटल वेइंग मशीन, इसके ऊपर हम इस सिलेंडर का वज़न कर लेते हैं। तो इसको चलिए इस पर रख देते हैं और यहाँ पर हमें इसकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। रीडिंग्स हैं 16.9, मतलब कि ये 16 किलो का सिलेंडर है और इसके अंदर 900 ग्राम गैस है। तो चलिए अब मैं इसका रेगुलेटर इसमें फिक्स करता हूँ और फिर गीज़र को ऑन करते हैं। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, बस हमें अब ये पानी की जो सप्लाई है ये ऑन करनी है और ये गैस गीज़र ऑन हो जाएगा। हालांकि जो रेगुलेटर है गैस की सप्लाई है वो सब ऑन है यहाँ से, और यही इसकी खूबी होती है गैस गीज़र की कि जब आप टैप ऑन करते हैं तभी ये चलता है, अदरवाइज़ ना गैस की सप्लाई होती है और ना ही पानी की। तो आप देखिए मैं यहाँ से इसको खोलूँगा और यहाँ पर ये वर्क करना स्टार्ट करेगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ये बटन ऑन करना होगा क्योंकि ये बटन होता है, हम इसे ऑन करेंगे तभी इग्निशन होता है इसके अंदर। और इसके अंदर दो बैटरीज लगते हैं, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दो बैटरीज लगते हैं इसके अंदर जो लगभग हर साल आपको बदलने पड़ते हैं। पहले ये 50 रुपये के दो आ जाते थे, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली बाय करे हैं इस वीडियो के लिए तो 70 रुपये के ही आए हैं। तो ये हर साल का खर्चा है इसमें छोटा सा। तो चलिए सप्लाई को यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ और फिर देखते हैं कैसे ये चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे इग्निशन हुआ और अंदर यहाँ पे फायर चलने लगी, इट मींस कि गीज़र अब ऑन हो गया है। और ऑन होते ही
यहाँ से हमें पानी की जो सप्लाई है, ये मैं ज़रा लाइट ऑन करके दिखाऊँ, आने लगती है और एकदम से गर्म पानी आपको मिलने लगता है, क्योंकि फायर जो है वो यहाँ पर चल चुकी है फ्लेम, और पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको इंस्टेंट गीज़र बोला जाता है, क्योंकि ये एकदम से गर्म पानी देना शुरू कर देता है। और इसमें एक खासियत ये होती है कि जैसे जैसे आप इसको मतलब पानी इसमें से लेते रहेंगे, तो पानी का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता भी रहता है, क्योंकि जो अंदर कॉयल होती है वो और ज़्यादा गर्म होती रहती है फ्लेम जलने की वजह से। तो अब देखिए, इसकी थोड़ी सी आवाज़ भी आती है, तो मैं आपको सुनवा देता हूँ, क्योंकि फ्लेम जल रही है, गैस की सप्लाई हो रही है, पानी वगैरह, तो थोड़ा सा नॉइस करता है ये। तो इस तरह का थोड़ा सा नॉइस आपको इसमें से ज़रूर आता है, लेकिन ये पता भी नहीं लगता है। ये तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए आपको सुन रही है, अदरवाइज़ नॉर्मल रूटीन में आपको पता भी नहीं लगेगा इस वॉइस का। और इसको बस लगाते हुए ध्यान ये रखना है कि इसको वेंटिलेटेड एरिया में आपको लगाना पड़ता है। तो मैंने भी यहाँ पर लॉबी एरिया में लगाया, मेरे पास यहाँ पर एग्जॉस्ट भी है, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम चलाएंगे। और एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये हो जाता है कि ये वॉल्स वगैरह जो है काली कर देता है, क्योंकि फ्लेम जलती है ऑब्वियसली इसके अंदर। तो लगातार देखिए फ्लेम यहाँ पर जल रही है, और बाल्टी जो है वो काफ़ी पानी इसमें आ चुका है, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, भाप दिख रही है आपको। तो इस पानी का एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं, तो ये सेंसर जो इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर कितना है। एओ स्मिथ वाला जो गीज़र था उसने हमें लगभग 60 डिग्री 65 डिग्री पे पानी दिया बकेट भर के, तो अब देखते हैं कि इसमें से कितने डिग्री पर ये पानी हमें मिलेगा, जब पूरी बकेट भर जाएगी तब भी हम देखेंगे। और फिलहाल जो इस पानी का टेम्परेचर है, अभी आधी भी नहीं हुई है बकेट, आप देख सकते हैं, और 50 डिग्री के आसपास पानी इसमें से कंटिन्यू आ रहा है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि ये गैस गीज़र और ये इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीज़र, इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो कीजिए। तो मैं चलो कोशिश करूँगा कि इन दोनों का भी एक कंपैरिजन वीडियो करके आपको बता दूँगा। तो अभी ये बाल्टी भरने वाली है, और पानी का जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं 53 से ऊपर है, यानी कि अच्छा खासा गर्म पानी आपको इस गीज़र में से मिल रहा है। और इसकी फ्लेम को आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप फ्लेम को यहाँ से, गैस कंट्रोल का नॉब है यहाँ से, इसको लेफ़्ट टू राइट करोगे तो इसकी फ्लेम कम हो जाएगी, फिर उससे पानी का टेम्परेचर भी खैर कम हो जाएगा, ज़्यादा भी हो जाएगा उससे। तो ये सारी चीज़ें आप मैनुअली कर सकते हो सेटिंग, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने जो उसमें से पानी लिया था इस वाले में से, वो था 60 डिग्री के आसपास, और इसमें से भी लगभग उसी हिसाब से पानी हमें मिल रहा है। और बकेट अब भरने वाली है, और आप देखिएगा जैसे ही मैं ये वॉल्व बंद करूँगा, पानी की सप्लाई भी रुक जाएगी, और ये जो गीज़र है ये भी बंद हो जाएगा, और गैस की सप्लाई भी रुक जाएगी, और फ्लेम बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मार्किंग तक पानी पहुँचने ही वाला है, और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना हुआ है 53 के आसपास। तो यहाँ पर ये हो चुकी है मार्किंग पूरी, तो मैं ये बंद कर रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने वॉल बंद किया तो फ्लेम बंद हो गई, यानी कि गैस की सप्लाई भी रुक गई, और ऑब्वियसली पानी की सप्लाई भी रुक गई। तो यहाँ पर जो इस बकेट में पानी है उसका टेम्परेचर है 53.3। हालाँकि जो एओ स्मिथ का ये गीज़र था उसमें से जो पानी हमने निकाला तो बकेट का टेम्परेचर था 60 या 65 के आसपास। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हो। तो चलिए, अब यहाँ पर ये सारी बातें हो गई, अब हम इस सिलेंडर का दोबारा से वज़न करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना जो कंजम्पशन हुआ है गैस का। तो पहले इसको इनेबल करते हैं और अब इसका वज़न करते हैं। तो पहले जो वज़न था वो था 16.90, और अब देखते हैं तो अब इसमें रीडिंग्स आई हैं 16.85। इट मींस कि 50 ग्राम गैस का कंजम्पशन हुआ है, और 16 किलो का ये सिलेंडर है। तो अब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं ऑन पेपर कि कौन सा गीज़र महंगा पड़ता है। ये रहा पेपर जिसके ऊपर सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली है, और अब देखते हैं गैस गीज़र ज़्यादा किफ़ायती पड़ता है या फिर इलेक्ट्रिक गीज़र। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रिक गीज़र ने 1.68 यूनिट्स कंज्यूम किए थे, और दिल्ली में यूनिट का रेट है 3 रुपीज़ पर यूनिट। ये आपके एरिया में अलग हो सकता है, जैसा कि आई थिंक यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में शायद 7 या फिर 7.5 रुपीज़ यूनिट का रेट है। तो ये जो रेट है ये आपके वहां पर कितना है उसके अकॉर्डिंग आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। दिल्ली में 3 रुपये यूनिट से बिजली स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हमने जितने यूनिट कंज्यूम हुए थे उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और एक बार के ऑपरेशन में हमारे लगे 5.04। तो यानी कि एक बार पानी को गर्म करने में एओ स्मिथ के गीज़र ने 5 रुपये खर्च कर दिए, और ऐसा ही अगर हम 4 बार करेंगे दिन में तो 20 रुपये 16 पैसे का खर्च आएगा, ठीक है। लेकिन
इलेक्ट्रिक गीजर के केस में देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी टू कंज्यूम लेस ड्यू टू प्री हीट इनर टैंक एंड रिमेनिंग हॉट वाटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक गीजर में पूरा पानी अगर आप ना निकालें तो उसके अंदर कुछ गर्म पानी बचता है, और दूसरी बात जो उसका अंदर इनर टैंक होता है और इंसुलेटेड सारा उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से उसका जो टैंक का टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं होता है, वो हमेशा थोड़ा सा गर्म ही रहता है। तो उस वजह से जब आप उसको मल्टीपल ऑपरेशंस में चलाते हो तब पानी जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी पानी गर्म होने से बिजली की खपत कम होती है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक गीजर का सारा डिटेल। अब चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर गैस गीजर को जब हमने चलाया तो उसने 50 ग्राम्स गैस कंज्यूम की। अब 50 ग्राम गैस कितने की है, इसके लिए हमें पहले पूरे गैस सिलेंडर का प्राइस यहाँ पर लिखना पड़ा है। तो आप सब जानते हैं एक सिलेंडर के अंदर 14.2 केजी गैस होती है, जो हमें मिलता है 1053 रुपीज़ का, यानी कि 1053 रुपये का सिलेंडर हमें मिलता है दिल्ली में। आपके यहाँ पर कितने का मिलता है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक किलो गैस का जो रेट आएगा 74.15 रुपीज़। तो यहाँ पर अब हमें एक ग्राम का अगर निकालना है पैसे कितने होते हैं, तो सिंपली हम एक किलो वाले जो ये अमाउंट आया है इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने जो रकम आएगी उतने पैसे की एक ग्राम गैस पड़ती है। तो अब हमें 50 ग्राम्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो सिंपली इस अमाउंट को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे सामने आएगा 3.70 रुपीज़। यानी कि एक बार के ऑपरेशन में गैस गीजर ने 3.70 रुपये खर्च किए, और ऐसा हम चार बार करते हैं तो हमें 14.80 रुपये का खर्च पड़ेगा। और अब जैसा कि इलेक्ट्रिक गीजर में पॉसिबिलिटी है कंज्यूम लेस की, लेकिन गैस गीजर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गैस गीजर में आप अगर बार बार उतना ही पानी निकालेंगे तो गैस भी वो उतनी ही खर्च करेगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसका टैंक पहले से गर्म है या उसमें कुछ प्री हीट पानी पड़ा हुआ है, जी नहीं, क्योंकि वो एक टैंकलेस गीजर होता है और रनिंग वाटर को ही गर्म करता है। तो ऐसे में जितनी गैस उसने एक ऑपरेशन में लगाई है उतनी ही गैस वो एवरी ऑपरेशन में कंज्यूम करेगा। तो ये है सारी कैलकुलेशंस आपके सामने। अब आपको खुद ही पता लग गया कि कौन सा गीजर ज़्यादा किफ़ायती होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके यहाँ पर यूनिट का रेट कम है तब आप इलेक्ट्रिक गीजर के साथ जा सकते हैं। अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर 3 रुपये यूनिट बिजली है और पहले 200 यूनिट फ्री दिए जाते हैं, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक गीजर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि गैस का जो प्राइस है वो अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जिन स्टेट्स में बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है वहाँ पर डेफिनेटली गैस गीजर सस्ता पड़ेगा आपको, और अगर आपके यहाँ पर पाइपलाइन वाली गैस है तो और भी सस्ता पड़ेगा आपको। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करते जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।